आपको अंदर जाके फूड की वैरायटीज वगैरह दिखाते हैं और पकवान भी दिखाते हैं और पिंडी की कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको यहाँ ना मिले वो हर चीज़ मौजूद है यहाँ पे, तो इंशाल्लाह अंदर चल के आपको ये दिखाते हैं। तो ये अभी आपके लेफ्ट साइड पे ये अल शेख टिक्का हाउस आपको व्यू दिखाते हैं और हैबर टिक्का शनवारी भी है और साथ ही आगे हैबर दरबार और आगे जाके भी आपको काफ़ी मतलब रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जो कि आपको साथ चल के दिखाते हैं। राजा जाना नरौड़ा। यहाँ पे जो है वो काबुल शनवारी भी आपके लेफ्ट साइड पे और आगे भी मतलब काफ़ी वैरायटीज हैं, सेवर फूड है जो कि यहाँ का काफ़ी मशहूर है तो वो भी आपको दिखाते हैं। रश भी काफ़ी है, दरअसल वीकेंड है यहाँ पे तो काफ़ी रश वगैरह भी है। यहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटीज़ वगैरह मिलेंगी और जो पिंडी के सबसे मशहूर जो यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं खाने के लिए तो वो आपके लेफ्ट साइड पे सेवक फूड है। हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमने बताया था कि आपको हम टेस्ट करवाते हैं कुछ देसी, तो हम शंशा में पहुंच चुके हैं आपके सामने है बिल्कुल, तो अंदर से आपको व्यू वगैरह दिखाते हैं और इनका सारा सेटअप वगैरह दिखाते हैं। तो शुरू में इनके सारा सज्जी का सेटअप है तो वो आप देख सकते हैं। सब्जी कितने की है? तो अभी आपने शुरू में देखा है कि इनका सब्जी का स्टॉल लगा हुआ था तो वो भी माशाल्लाह काफ़ी शेर से पता लग रहा था कि काफ़ी टेस्टी होगा और जूसी होगा, तो अंदर चल के भी इनका सेटअप वगैरह और सारा कढ़ाई का सेटअप वगैरह देखते हैं कि वो खाने में क्या क्या है अंदर। कढ़ाई यहाँ पे तैयार हो रही है, नमकीन और जो मखनी कढ़ाई वो काफ़ी मशहूर है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह तैयार हो रही है और उनके शेफ किस तरह तैयार कर रहे हैं।
ये इसमें मक्खन डाल रहे हैं जो कि इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देता है। तो चलो ऑर्डर करते हैं और टेस्ट करके आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि क्या टेस्ट इसका कैसा है। और बाकी तो आपके सामने ही व्यू सारा। तो अभी हम आगे की तरफ आए हैं तो इनके जो और भी सेटअप है, मतलब दाल वगैरह है, कीमा है और बीफ में इनके जो वो टिक्का फ्राई सीख कबाब, वो भी आप देख सकते हैं कैमरे। अभी इनका और भी सेटअप चल रहा है साथ साथ, जिसमें दाल है, सब्ज़ी है, सीख कबाब है, नमकीन में भी इनका दुम्बा है, तंदूरी टाइप में भी इनके मुख्तलिफ डिशेज़ वगैरह और भी तैयार हो रही हैं। तो बाकी इनसे पूछते हैं कि वो ऐसे क्या चीज़ बीच में डालते हैं जिनसे टेस्ट वगैरह और डेवलप हो जाता है। जी रहेगा, क्या पूछना था? तो यहाँ पे हमारे किचन सुपरवाइजर साहब से मुलाकात हुई है, तो वो भी आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें और फर्दर बन रही हैं यहाँ पे और क्या क्या नई चीज़ वो लेके आ रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। हमारे पास बारबेक्यू में जो है वो मलाई बोटी है बड़ी स्पेशल, और रेशमी कबाब में मुगलाई बोटी है, और चिकन बोटी हमारे पास बहुत स्पेशल है, मटन टिक्का है ना बहुत स्पेशल हमारे पास, नमकीन कढ़ाई हमारी बनाते हैं बड़ी स्पेशल नमकीन कढ़ाई होती है वो बना रहे हैं हम, मटन कढ़ाई मक्खन में तैयार करते हैं हम। सबसे मशहूर डिश आपकी सबसे मशहूर सबसे बारबेक्यू में जो मशहूर है वो हमारी मलाई बोटी है और रेशमी कबाब हैं, वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं और ज़्यादा लोग यहाँ आके जो है वो मुगलाई बारबेक्यू मसाल के तौर पर मलाई बोटी हो गई और क्या नाम है चिकन रेशमी कबाब हो गए, ये बड़े लोग पसंद करते हैं और ज़्यादा डिमांड इनकी होती है हमारे पास। उसके बाद जो है चिकन पीस है हमारे पास, वो भी बड़ी स्पेशलिटी है इसकी भी, और साथ में टकाटक है हमारा, इसमें भी हम क्या नाम है चाँप प्लेट हमारी है वो बड़ी स्पेशल है, इसमें टकाटक में वो बनाते हैं। कढ़ाई में जो है वो मटन कढ़ाई है हमारे पास मक्खन वाली जो है वो बड़ी स्पेशल है। नमकीन में हमारा नमकीन टिक्का, ये अपनी अपनी रेसिपी है लेकिन जो लोग पसंद करते हैं ज़्यादा वो मटन कढ़ाई और क्या नाम है चिकन कढ़ाई ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो उसमें भी आपका बीफ का सेटअप है? नहीं, बीफ का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बीफ टिक्के आपको मिलेंगे, कढ़ाई बीफ की नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि बीफ का इतना काम नहीं है और बीफ टिक्के का काम ज़्यादा है, बारबेक्यू में हम लोग ज़्यादा देते हैं। तो अभी हम जैसे कि सुपरवाइजर साहब से भी मिले हैं तो उन्होंने भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हमें बताया कि क्या क्या सेटअप है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ बन रही है। तो वो आपके सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये किस तरह माशाल्लाह अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं। तो आगे चल के भी हम देखते हैं कि और क्या क्या इनका सेटअप वगैरह है। तो अभी हम आए हैं इधर नमकीन वाली साइड पर भी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताज़ा गोश्त लगा हुआ है यहाँ पे, और वो उसी टाइम काट के पीस करके उसको फ्राई करते हैं, तकरीबन 30 से 35 मिनट लगते हैं इसको तैयार होने में, तो बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। सिटिंग एरिया हॉल काफ़ी माशाल्लाह बड़ा है और रश भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, लोग बिल्कुल भी मतलब जगह खाली नहीं है यहाँ। तो आपको मतलब थोड़ा सिटिंग एरिया भी विज़िट करवाते हैं।
सो फाइनली हम जो है इनके मेन हॉल में आ गए हैं। बड़ी मुश्किलों से हमें जगह मिली है और मेन्यू हमारे सामने है, तो अभी हम डिसाइड करते हैं कि क्या मंगवाना चाहिए। तो जैसा बन रहा था काफ़ी ज़्यादा मतलब टेस्टी है, तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे यहाँ पे आके इसके टेस्ट को। जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं वो दरअसल हमारे ऊपर स्टेडियम है, इस वजह से जगह कंजेस्टेड है, लेकिन उनका हॉल है एरिया काफ़ी बड़ा है। तो आगे इंशाल्लाह जैसे ही मैचेस वगैरह शुरू होंगे तो आपको स्टेडियम का भी हम व्यू दिखाएंगे। हमने खा लिया, टेस्ट बहुत अच्छा था, जैसे ही मक्खन उन्होंने डाला था वही टेस्ट बिल्कुल खाने में भी आया, तो पेट लोग बिल्कुल फुल हो गया और दिल भी आ गया। मुनासिब है, मतलब शॉकिंग नहीं है। सो देखते हैं, बस दिल पे कर दिया हमने। खाना खा लिया हमने, तो अभी हम बाहर आए हैं। ये सारा हमारे साथ हमारा खाना कैसा लगा सर? खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह।
टेस्ट करते हैं उसको।